हेलो स्टूडेंट्स, तो बेटा चलिए करते हैं अपनी क्लास स्टार्ट। हमने लास्ट टॉपिक में कल आप लोगों को क्या पढ़ाया था उसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे काम। लेकिन अपना काम मैं आगे बढ़ाऊं उससे पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बता देना चाहता हूं। बेटा 1 जुलाई से आप लोगों की क्लास को ऑफलाइन शिफ्ट किया जा रहा है, यानी अब आप लोग हमारे इंस्टीट्यूट आकर भी पढ़ सकते हैं। देखो मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूँ, 11th क्लास फिज़िक्स की बात हो रही है बेटा। 11th क्लास फिज़िक्स की बात अगर हम लोग करें तो 1 जुलाई से आप लोगों के पास में ऑप्शन ये रहेगा कि आप अपनी क्लास को ऑफलाइन मोड पर या ऑनलाइन मोड पर, दोनों में से किसी भी मोड पर कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि जैसे अभी आप पढ़ रहे हैं वैसे हम पढ़ें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे ही आप लोगों की क्लास चलती रहेगी। और अगर आप चाहते हैं कि हम लोग ऑफलाइन आकर पढ़ें तो आप ऑफलाइन भी आकर पढ़ सकते हैं बेटा, ठीक है। तो एक अच्छा एक्सपीरियंस आप लोगों के लिए होगा, चीज़ें और बेहतर तरीके से आप लोगों को समझ में आएंगी ऑफलाइन के अंदर, ठीक है। अच्छा, शेड्यूल क्या रहने वाला है, फिज़िक्स का शेड्यूल क्या रहने वाला है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये जो बैच आपका कॉन्टिन्यू मोड में चल रहा है बेटा, ये जो बैच आपका कॉन्टिन्यू चल रहा है जो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, इस बैच की टाइमिंग रहेगी बेटा आप लोगों की 5 to 6 PM। ये टाइमिंग आप लोगों की रहने वाली है स्टूडेंट, 5 to 6 PM 11th क्लास की फिज़िक्स की टाइमिंग रहेगी जो बैच आपका कॉन्टिन्यू मोड पे चल रहा है, ठीक है बेटा। अच्छा, एक न्यू बैच भी स्टार्ट कर रहे हैं स्टूडेंट हम लोग, आप लोगों के लिए एक न्यू बैच भी स्टार्ट किया जा रहा है और उसकी टाइमिंग रहेगी 2 to 3 PM 2 से 3। ये 11th क्लास के लिए न्यू बैच है, बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे इसके अंदर हम लोग। और ये बैच आप लोगों का पुराना बैच है जो कंटिन्यू चल रहा है ऑनलाइन मोड में, बस ऑनलाइन से ऑफलाइन में हम लोग इसे शिफ्ट कर देंगे। और बाकी जो NCERT सेक्शन आप लोगों का चल रहा है बेटा, NCERT सेक्शन चल रहा है, NCERT सेक्शन की बिल्कुल वैसे ही 20 मिनट की जो वीडियो है वो आपके एप्लीकेशन में आपके पास में आती रहेंगी बेटा। यानी NCERT को हम ऑनलाइन मोड में ही रखेंगे, NCERT को हम ऑनलाइन मोड में ही रखेंगे और सभी लोगों के पास में NCERT की वीडियो ऑनलाइन ही पहुंची रहेगी। यानी इसे तो आप घर से ही देख पाएंगे, नो प्रॉब्लम। NCERT को हम ऑनलाइन ही रखेंगे, बाकी हम क्लासेस को आप लोगों की ऑफलाइन शिफ्ट कर देंगे बेटा, ठीक है। कल की क्लास में पूरा टाइम टेबल आप लोगों को दिखा दिया जाएगा कि जो अदर सब्जेक्ट की क्लास हमारे यहाँ चलती है, बायोलॉजी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, वो किस समय चलने वाली है, उनका भी शेड्यूल वहाँ पर होगा। तो आप लोगों को मैंने सिर्फ आज फिज़िक्स का शेड्यूल बताया है, इसी के अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन करके रखें। 1 जुलाई से आप लोगों की क्लास ऑफलाइन मोड में शिफ्ट हो जाएंगी बेटा। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मेरे पास में कॉन्टैक्ट करें, ठीक। अब आते हैं स्टूडेंट हम अपने टॉपिक के ऊपर। बेटा प्रीवियस क्लास में हमने आपको सिखाया था क्रॉस प्रोडक्ट, हमने आपको क्रॉस प्रोडक्ट निकालना सिखाया था। सबसे पहले मैं क्रॉस प्रोडक्ट के एक क्वेश्चन से ही शुरुआत करूंगा, क्रॉस प्रोडक्ट के एक एग्जांपल से ही मैं शुरुआत करूंगा कि मैं आप लोगों को एक एग्जांपल जो है रिवाइज करा पाऊँ। देखो बेटा, एक वेक्टर है मेरे पास में और ये है 2i cap 3j cap -k 4k cap। बेटा दूसरा वेक्टर है हमारे पास में 2i cap + j cap + k cap। दो वेक्टर हैं बेटा आपके पास में, एक वेक्टर है हमारे पास में p वेक्टर और एक वेक्टर है हमारे पास में q वेक्टर, ठीक है बेटा। एक p वेक्टर है और एक q वेक्टर है। हम लोगों को फाइंड आउट करना है p वेक्टर क्रॉस q वेक्टर, ठीक है, p क्रॉस q वेक्टर। तो मैंने आप लोगों को डिटरमिनेंट वाला मेथड बताया था बेटा कि कैसे डिटरमिनेंट मेथड का यूज़ करके हम वेक्टर प्रोडक्ट निकालते हैं। यह है डिटरमिनेंट, इसे बोलते हैं डिटरमिनेंट। सबसे पहले यहाँ आएगा आई कैप, यहाँ आएगा हमारे पास में जे कैप और यहाँ आएगा बेटा हमारे पास में के कैप। आई कैप, जे कैप, के कैप, देखो यहाँ आई के सामने है 2, यहाँ भी आई के सामने है 2, ठीक है बेटा। यहाँ J के सामने है 3 और यहाँ J के सामने है 1, यहाँ K के सामने है -4 और यहाँ K के सामने है 1। लीजिए साहब, हमने डिटरमिनेंट को अपने अकॉर्डिंग कर दिया है बेटा सेट, ये हमने डिटरमिनेंट को अपने अकॉर्डिंग सेट कर दिया है।
अब हम निकालते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। सबसे पहले उठाते हैं हम आई कैप को। लो बेटा ये लिखा मैंने आई कैप। यहाँ पर हमने फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ दिया, चार एलिमेंट हमारे पास में बचे। इसकी मल्टीप्लाई हमने यहाँ की, ये बन गया 3, बीच में है माइनस। इसकी मल्टीप्लाई हमने यहाँ की, ये बन गया -4 एंड ब्रैकेट क्लोज। ठीक है बेटा, इसके बाद हमने उठाया जे कैप को और जे को रखा हमने माइनस के साथ, माइनस के जे कैप। ठीक है, इसके बाद हमने उठाया जे कैप को और जे को रखा माइनस के साथ। बेटा जे हमारा फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में आ रहा है, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम में। पहली रो और दूसरे कॉलम को छोड़ने के बाद में चार एलिमेंट बच रहे हैं हमारे पास में। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर 2, ठीक है भाई, और बीच में रखेंगे माइनस। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, ये आ जाएगा हमारे पास में -8। ठीक है, ओके। इसके बाद हमने यहाँ रखा के कैप, रखा के कैप, यह है हमारी लास्ट रो। ठीक है, अब देखो हम कैसे काम करने वाले हैं। यह है फर्स्ट रो एंड यह है लास्ट कॉलम, चार एलिमेंट बचे। इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पर और इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पर, तो हम लिखेंगे 2-6। लो बेटा ये आ गया हमारे पास में। मैं ऑलरेडी सिखा चुका हूँ आप लोगों को, तो परेशानी होनी नहीं चाहिए। अब देखते हैं कि क्या आंसर आता है। -+ 7 आई कैप। ठीक है बेटा, -+ माइनस के 10 जे कैप, और यहाँ आएगा हमारे पास में -4 के कैप। ये बनेगा बेटा हमारे पास में करेक्ट आंसर, 7 आई कैप, माइनस के 10 जे कैप, माइनस के 4 के कैप। दिस इज द वैल्यू ऑफ पी वेक्टर क्रॉस क्यू वेक्टर। होप सो कि आप लोग कर लेंगे, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर, क्योंकि कल की क्लास में ऑलरेडी मैं बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुका हूँ बेटा आपके पास में। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके एप्लीकेशन के स्टूडेंट, और नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास में आता है एप्लीकेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है बेटा, हमारे पास में टॉपिक आता है एप्लीकेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। और देखिए क्रॉस प्रोडक्ट का पहला एप्लीकेशन क्या है स्टूडेंट हमारे पास में। बेटा फर्स्ट एप्लीकेशन है टू फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। यह है हमारे पास में एप्लीकेशन नंबर 1, टू फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ठीक है, देखो बेटा अब दो वेक्टर के बीच का एंगल हम कैसे निकालेंगे। एक वेक्टर हो गया हमारे पास में ये, और एक वेक्टर हो गया है हमारे पास में ये। सबसे पहले आप ये देखो कि दोनों के दोनों वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो बाहर की तरफ है। देखो दोनों वेक्टर बाहर की तरफ जा रहे हैं, तो दोनों वेक्टर का बाहर जाना बड़ा ज़रूरी है बेटा। ठीक है, ये है इनके बीच का एंगल, हमने इसे नाम दिया है थीटा। इस वेक्टर को नाम दिया है हमने ए वेक्टर, और इस वेक्टर को हमने नाम दिया है बी वेक्टर। समझ आ रही बेटा बात। यह है हमारा ए वेक्टर और यह है हमारा बी वेक्टर। ठीक है, अब इनके जो बीच का एंगल होगा बेटा उसका फॉर्मूला है। देखो जब हम डॉट प्रोडक्ट का यूज करके एंगल निकाल रहे थे तब तो लिया था हमने कॉस थीटा, मैं वो भी फॉर्मूला आपके सामने लिख दूंगा। लेकिन जब हम क्रॉस प्रोडक्ट का यूज करके एंगल निकालेंगे तब हम लेंगे साइन थीटा, और फॉर्मूला होगा बेटा हमारे पास में साइन थीटा इज इक्वल टू मॉड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर मॉड क्लोज। यानी पहले आप ए क्रॉस बी निकाले और फिर उसका मॉड निकाले, और डिवाइडेड बाय मॉड ए वेक्टर, और यहां आएगा भाई हमारे पास में मॉड बी वेक्टर। बेटा ये है हमारा एंगल निकालने का तरीका विद द यूज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट का यूज करके ऐसे हम लोग एंगल को फाइंड आउट करेंगे। अच्छा बेटा डॉट प्रोडक्ट में हमने कैसे निकाला था, जरा ये बताइए कि डॉट प्रोडक्ट में हमने कैसे निकाला था। भाई डॉट प्रोडक्ट में एंगल निकालने का तरीका था ये, कॉस थीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ए, और यहाँ है हमारे पास में मॉड बी। समझ आ रही है बात बेटा। यह है हमारे पास में क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर एंगल निकालने का फॉर्मूला, और यह है हमारे पास में डॉट प्रोडक्ट के अंदर एंगल निकालने का तरीका।
होप सो कि आप लोगों को समझ आ रही हो बेटा बात, ठीक है। इस तरीके से हम एंगल फाइंड आउट करेंगे, कॉस थीटा डॉट क्रॉस में साइन थीटा। अब मैं बताता हूँ कि कैसे यूज़ करना है, पहले जल्दी से आप नोट कर लीजिए फिर हम आपको बताएंगे। देखो बेटा अब कैसे हम लोगों को एंगल फाइंड आउट करना है, ज़रा देखिए भाई, एक वेक्टर हमें दे रखा है ये और एक वेक्टर हमें दे रखा है ये, दो वेक्टर हम लोगों को ना स्टूडेंट गिवन दिए हैं, ठीक है बेटा। इस वेक्टर का नाम है ए वेक्टर और ये है हमारे पास में बी वेक्टर और ये है इनके बीच का एंगल थीटा, ठीक है। तो क्वेश्चन बना हमारे पास में फाइंड द एंगल बिटवीन ए और बी, फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी विद द यूज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। देखो बेटा एंगल निकालने के लिए मैं डॉट प्रोडक्ट का भी यूज कर सकता हूं, लेकिन क्वेश्चन ने उसने साफ साफ स्पेसिफाई किया है कि क्रॉस प्रोडक्ट का यूज करके आपको एंगल निकालना है, क्रॉस प्रोडक्ट का यूज करके आपको एंगल निकालना है। अब आप देखिए वेक्टर ए हमें गिवन दिया है बेटा, ये वेक्टर ए की वैल्यू है हमारे पास में ये 2i कैप + j कैप + k कैप और वेक्टर बी की जो वैल्यू है हमारे पास में वो है ये 2i कैप - k j कैप - k कैप, ठीक है बेटा। ये है हमारे पास में ए वेक्टर और ये है हमारे पास में बी वेक्टर, हमें इनके बीच का एंगल फाइंड आउट करना है भाई। अब आप ये देखो कि एंगल निकालने का फॉर्मूला है क्या बेटा, एंगल निकालने का फॉर्मूला है हमारे पास में साइन थीटा इज इक्वल टू मॉड ए क्रॉस बी, अभी जस्ट मैंने आपको बताया, और नीचे है अपॉन में मॉड ए इंटू मॉड बी। लो बेटा ये हमारा एंगल निकालने का फॉर्मूला है, इसके लिए सबसे पहले हमें ए क्रॉस बी निकालना पड़ेगा, ए क्रॉस बी हमें सबसे पहले निकालना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले हम निकालते हैं ए क्रॉस बी। भाई मैंने यहाँ रखा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट, बेटा यहाँ मैंने बनाया आई कैप, यहाँ मैंने बनाया जे कैप और यहाँ मैंने बनाया के कैप। उम्मीद है कि आप लोग समझ रहे होंगे, यह है आई कैप, यह है जे कैप और यह है के कैप। अब आप देखो आई के सामने है 2, ये आ गया यहाँ पर 2, ठीक है बेटा। उसके बाद जे के सामने है 1, ये आ गया 1, के सामने है 1, ये आ गया 1, आई के सामने है 2, यहाँ आई के सामने है, जे के सामने है -1 और यहाँ है -1। ये पूरी वैल्यूज़ को हमने यहाँ सेट कर दिया, ओके स्टूडेंट। चलिए अब हम इसका निकालते हैं बेटा क्रॉस प्रोडक्ट, देखो क्रॉस प्रोडक्ट कितना होगा। सबसे पहले हमने उठाया आई कैप को, यहाँ रखा हमने आई कैप, रखा आई कैप, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम फिनिश, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर -1, माइनस आएगा बीच में, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, ये आ जाएगा हमारे पास में -1, ये सिचुएशन आ गई बेटा, ओके। इसके बाद देखो आप लोग कैसे हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिएगा जरा, जे को रखेंगे माइनस, मैंने बताया था जे को हमेशा माइनस रखना होता है, जे को हमेशा माइनस रखना होता है, जे आएगा फर्स्ट रो में और सेकेंड कॉलम में, ये जे पहली रो और दूसरे कॉलम में आ रहा है तो पहली रो और दूसरे कॉलम के एलिमेंट्स को हमने छोड़ दिया, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, ये आएगा -2, बीच में आएगा माइनस, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम यहाँ पर, भाई ये आ गया हमारे पास में 2। फाइनली हमारे पास में आया स्टूडेंट के कैप, ठीक है। अब देखो के कैप में हम क्या करने वाले हैं बेटा, के कैप में हम क्या करने वाले हैं, के कैप में इसे उठाएंगे हम लोग, ये आएगा पहली रो में और तीसरे कॉलम में, चार एलिमेंट आ गए हमारे पास में, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, ये बन जाएगा -2 और -2, कर सकते हो ना आराम से, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे -2, एक माइनस बीच में लगाएंगे, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे ऐसे और फिर ऐसे, ठीक है बेटा। तो वैल्यू निकल कर आई हमारे पास में -, -+, इससे ये कैंसिल आउट, -2 और -2 -4 की मल्टीप्लाई -j में करेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 4j कैप, ठीक है। -2 और -2, -4
मल्टीप्लाई करेंगे के कैप में, तो ये हो गया माइनस के फोर के कैप। लो बेटा, हमारे पास में ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की वैल्यू निकल कर आ गई है। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हमारे पास में इतना आ गया। अगर हमें निकालना है इसका मॉड, तो मॉड कैसे निकालते हैं यार? कितनी बार मैं आपको मॉड निकालने का तरीका सिखा चुका हूँ। मॉड निकालने का तरीका है अंडर रूट, जे के सामने लिखा हुआ है 4 का स्क्वायर करेंगे 16, प्लस के सामने लिखा हुआ है माइनस 4, स्क्वायर करेंगे 16, और ये आ गया हमारे पास में अंडर रूट 32। लो बेटा, मॉड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की वैल्यू हमारे पास में इतनी आ चुकी है। पहले हमने ए क्रॉस बी निकाल दिया डिटरमिनेंट मेथड से, क्योंकि ये एक आसान मेथड है और जल्दी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं, और फिर हमने मॉड लगाकर ये वैल्यू बना दी बेटा। ठीक है, अब हमें और क्या क्या चाहिए? एक तो हमें चाहिए मॉड ए, ठीक, और एक चाहिए हमें मॉड बी। चलो देखो, मॉड ए हम कैसे निकालेंगे भाई? मॉड ए हो जाएगा हमारे पास में अंडर रूट मॉड ए, ए का मॉड निकालना है। 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 5, 1 का स्क्वायर 6, ये हो गया हमारे पास में अंडर रूट 6। ओके स्टूडेंट, ये हो गया है हमारे पास में अंडर रूट 6। अब हम निकालते हैं मॉड बी। देखो मॉड बी कितना होगा, मॉड बी 2 स्क्वायर 4 माइनस 1 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, ये भी हो गया हमारे पास में अंडर रूट 6। बेटा मॉड ए क्रॉस बी हमारे पास में आ चुका है अंडर रूट 32। मॉड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हमारे पास में आ चुका है स्टूडेंट अंडर रूट 32। मॉड ए हमारे पास में इतना आ चुका है और मॉड बी हमारे पास में इतना आ चुका है। अब सिर्फ हमारा काम यह है कि इन वैल्यूज़ को उठाकर यहाँ पुट करना है हम लोगों को। चलिए, अब इन वैल्यूज़ को उठाकर जब हम यहाँ पुट करेंगे तो क्या कंडीशन बनेगी बेटा हमारे पास में? देखो ज़रा, साइन थीटा इज इक्वल टू, भाई इसकी वैल्यू आई है अंडर रूट 32, मॉड ए आया है अंडर रूट 6, और ये भी आया है अंडर रूट 6। सो साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 32 अपॉन 36, 6 × 6 = 36। साइन को ले जाएंगे उधर, तो थीटा इज इक्वल टू बन जाएगा साइन इनवर्स अंडर रूट 32 अपॉन 36। लो बेटा, ये आंसर हमारा निकल कर आएगा, ये आंसर हम लोगों का निकल कर आएगा। ए वेक्टर हमें ये दे रखा है, बी वेक्टर हमें ये दे रखा है। सबसे पहले हमने डिटरमिनेंट मेथड से ये निकाल दिया ए क्रॉस बी, फिर हमने निकाल दिया ए क्रॉस बी का मॉड, निकाल दिया ए क्रॉस बी का मॉड, फिर मॉड ए अलग से निकाला, मॉड बी अलग से निकाला। ये हमारा फॉर्मूला है, वैल्यू पुट करी, आंसर हमारा बन चुका है बेटा। मतलब आसान क्वेश्चन है, सिर्फ गलती नहीं करनी है आपको, कंसेप्ट कुछ नहीं है इसके अंदर, ना ही कोई लॉजिक है। है तो फिजिक्स, लेकिन लॉजिक कुछ नहीं है, आप देख रहे हो, सीधा फॉर्मूला बेस्ड काम हम लोगों को करना पड़ रहा है बेटा। ठीक है, तो करिए आप इसे नोट, एक और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट, चलिए बेटा, तो एक छोटे से सवाल की और हम लोगों को प्रैक्टिस करनी है। अभी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं प्रॉब्लम नंबर 2। देखो बेटा, हमारे पास में है दो वेक्टर, एक है पी वेक्टर, इसकी वैल्यू है 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, ठीक है बेटा। और दूसरा वेक्टर है हमारे पास में i कैप प्लस j कैप, ओनली सिर्फ ये एक वेक्टर हमारे पास में ये है और एक वेक्टर हमारे पास में ये है। हमें निकालना है इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल, कि भैया इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना होने वाला है। चलिए करें स्टार्ट बेटा, कैसे करेंगे जरा देखो आप लोग ध्यान से। भाई एक वेक्टर हम लोगों को दे रखा है p वेक्टर, छोड़ो यार ऐसे नहीं बनाते, हम सीधा लिखते हैं। एंगल निकालने का जो फॉर्मूला है हमारे पास में वो ये है, साइन थीटा इज इक्वल टू मॉड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ए और साथ में है मॉड बी, ठीक है बेटा। ये मल्टीप्लाई है हमारे पास में, ये हमारे पास में यहाँ बीच में मल्टीप्लाई है। ये हमारा एंगल निकालने का तरीका है बेटा, ये हमारा एंगल निकालने का फॉर्मूला है, आप अच्छे तरीके से समझ लीजिए। ठीक है, अब एंगल निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, आप सबसे पहले ये देखो भाई, हमें चाहिए ए क्रॉस बी। चलो भैया, सबसे पहले ए क्रॉस बी का अरेंजमेंट करते हैं कि ए क्रॉस बी कहाँ से आएगा। देखो ए क्रॉस बी कैसे आएगा,
ए क्रॉस बी निकालने के लिए एक डिटरमिनेंट ये हो गया हमारे पास में और एक डिटरमिनेंट हमारे पास में हो गया ये। यहाँ हमने लगाया आई कैप, यहाँ लगाया जे कैप, यहाँ लगाया के कैप। मैं इतने सारे एग्जाम्पल सिर्फ आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ बेटा कि आप लोग क्रॉस प्रोडक्ट निकालना अच्छे तरीके से सीख जाएं, आपको प्रॉब्लम ना आए कुछ भी, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट निकालना अगर आप सीख गए ना तो ये समझिए कि आप लोगों का काम बहुत आसान होने वाला है फिर। ठीक है, ये हो गया आई कैप, ये हो गया जे कैप, ये हो गया के कैप। अब देखो यहाँ आई कैप के सामने है 2 और यहाँ आई कैप के सामने है 1, यहाँ जे कैप के सामने है 2, यहाँ जे कैप के सामने है 1, यहाँ के कैप के सामने है 3, यहाँ के है ही नहीं। अगर यहाँ के नहीं है तो हम इसे लिख लेंगे 0 के। लो भैया ये हो गया हमारे पास में 0। ठीक है बेटा, अब हम क्या करने वाले हैं जरा देखो, हम सबसे पहले उठाएंगे आई कैप। लो बेटा ये रखा मैंने आई कैप यहाँ पर, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम फिनिश। इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे 0, बीच में माइनस, और इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो ये आ गया हमारे पास में 3। ठीक है, उसके बाद हमने उठाया जे कैप, तो जे को मैंने रखा यहाँ, ये हो गया माइनस के जे कैप। जे कैप में फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, ये 4 एलिमेंट बच गए हमारे पास में। इसकी मल्टीप्लाई यहाँ और इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, 0 माइनस 3, 0 माइनस 3, और फाइनली हमारे पास में आएगा बेटा के कैप। फाइनली हमारे पास में आएगा के कैप। अब आप के कैप में देखो, फर्स्ट रो एंड लास्ट कॉलम, 4 एलिमेंट बचे, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पर, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पर, 2 माइनस 2, फिनिश 0 आ गया। तो यहाँ बचा मेरे पास में बेटा माइनस के 3 आई कैप और माइनस माइनस प्लस 3 जे कैप। दिस इज द वैल्यू ऑफ, यहाँ P और Q दे रखा है यार, यहाँ मैंने A और B मान लिया, या इसे हम A लेट कर लेते हैं और इसे हम मान लेते हैं B। ठीक है, तो बेटा ये निकल कर आ गई है मेरे पास में वेक्टर A इंटू वेक्टर B की वैल्यू। अब हम निकालते हैं स्टूडेंट इसका मॉड। ठीक है, देखते हैं कि मॉड कितना आएगा। वेक्टर A इंटू वेक्टर B इज इक्वल टू माइनस 3 का स्क्वायर करोगे 9, 3 का स्क्वायर करोगे 9, 9 और 9 ये निकल गया हमारे पास में अंडर रूट 18। तो वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B हमारा निकल चुका है बेटा अंडर रूट 18। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B मॉड में। A क्रॉस B का मॉड हमारा इतना निकल चुका है, ये A क्रॉस B निकल आया था बेटा, ये इसका हमने इसका मॉड निकाल दिया। अब हम निकालते हैं मॉड A की वैल्यू। देखो मॉड A कितना आएगा हमारे पास में, मॉड A कितना आएगा, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, अंडर रूट 17। अब निकालते हैं मॉड B की वैल्यू, मॉड B कितना आएगा, 1 स्क्वायर 1, अंडर रूट 2। ठीक है बेटा, अब यहाँ वैल्यूज पुट करते हैं, बताओ मॉड A क्रॉस B कितना आया, अंडर रूट 18। मॉड A कितना आया, अंडर रूट 17, ये कितना आया, अंडर रूट 2। तो ये बन गया हमारे पास में अंडर रूट 18 अपॉन अंडर रूट 34। ठीक है, हमें चाहिए थीटा, तो साइन को उधर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा साइन इन्वर्स करके हमारा आंसर निकल जाएगा बेटा, ऐसे हम एंगल निकालेंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई हो बात। ठीक है, जल्दी से नोट डाउन करिए, फिर हम लोग बढ़ेंगे आगे की तरफ और नेक्स्ट कंडीशन देखेंगे कि क्या होगी। तो बेटा उम्मीद करते हैं कि अब आप लोगों से एंगल को फाइंड आउट करना अच्छे से आ गया होगा और आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अब हम बढ़ जाते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। देखो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है,
बेटा हमने एंगल निकालने का फॉर्मूला पढ़ा है, ये साइन थीटा इज इक्वल टू वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी अपॉन मॉड ए इंटू मॉड बी। ठीक है बेटा, अब आप ये समझिए स्टूडेंट कि अगर हम ये कहते हैं कि दो वेक्टर वेक्टर ए और वेक्टर बी पैरेलल हैं, अगर हम ये कहते हैं कि दो वेक्टर हैं हमारे पास में, वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों पैरेलल हैं, बेटा पैरेलल होने का मतलब ये है कि उनके बीच में जीरो डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, तो उस कंडीशन में हम ये कह सकते हैं कि वेक्टर ए और वेक्टर बी की जो वैल्यू होगी, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की जो वैल्यू होगी वो जीरो के बराबर रहेगी। आप लोग इस बात को बिल्कुल अच्छे तरीके से ध्यान रखेंगे, भूलना नहीं है। अगर दो वेक्टर आपस में पैरेलल हैं तो उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट रहने वाला है ना स्टूडेंट, जो उनका क्रॉस प्रोडक्ट रहने वाला है वो हमारा जीरो के इक्वल रहने वाला है अगर दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हैं। अब पैरेलल वाली प्रॉब्लम को हम सॉल्व कैसे करेंगे, ज़रा देखो भाई। एग्जाम्पल के तौर पे आप ये देखो, एक वेक्टर है आपके पास में ए वेक्टर, आपको दिया यह है एक्स आई कैप, यह है टू वाई जे कैप और यह है आपके पास में थ्री के कैप। ठीक है बेटा, दूसरा वेक्टर है हमारे पास में, यहाँ देखना जरा ध्यान से बिल्कुल, यहाँ है भाई हमारे पास में वाई आई कैप, ठीक है, यहाँ है हमारे पास में एक्स जे कैप और यहाँ है हमारे पास में टू के कैप। भाई ये कंडीशन बेटा हमारे पास में बनी, ये कंडीशन हमारे पास में बनी, या यहाँ रहने देते हैं, यह है हमारे पास में वन, ये कंडीशन हमारे पास में बनी और हमें कहा कि वेक्टर ए इज पैरेलल टू वेक्टर बी, वेक्टर ए वेक्टर बी के पैरेलल है, ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल है। तो जैसे ही आप ये देखोगे ना कि दोनों वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल है, झट से आप ये कहोगे कि भाई पैरेलल होने का मतलब ये है कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की जो वैल्यू है वो जीरो के बराबर है। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की जो वैल्यू है वो हमारी जीरो के बराबर है। समझ आ रही है बात आप लोगों को? अच्छा, अब हम कैसे एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे? बहुत आसान तरीका है बेटा, जब दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल होते हैं ना तो उनके कॉफिशेंट का जो रेशो रहता है वो आपस में इक्वल रहता है। यहाँ आई का कॉफिशेंट है एक्स, यहाँ आई का कॉफिशेंट है वाई, एक्स को डिवाइड कर दो वाई से। ठीक है बेटा, जे का कॉफिशेंट है टू वाई और इसका कॉफिशेंट है वन, टू वाई को डिवाइड कर दो वन से। ठीक है बेटा, इसका कॉफिशेंट है थ्री और ये है टू और थ्री को डिवाइड कर दो टू से, यानी आई के कॉफिशेंट का रेशो, जे के कॉफिशेंट का रेशो और के जो सामने लिखा हुआ है ना उसका रेशो आपस में इक्वल होगा। तो बेटा अब हम क्या करेंगे, एक बार तो हम इन दोनों को आपस में बराबर रखेंगे, इन दोनों को, और एक बार इन दोनों को आपस में बराबर रखेंगे। ठीक है, चलो भाई रखते हैं। एक बार हमने रखा x अपॉन y इज इक्वल टू थ्री बाई टू, एक कंडीशन तो बन गई हमारे पास में ये। एक बार इसको इसके इक्वल रखेंगे तो ये बन गया टू वाई इज इक्वल टू थ्री बाई टू। बेटा यहाँ से y की जो वैल्यू निकल कर आई हमारे पास में वो निकल कर आई है थ्री बाय फोर, ये हमारी y की वैल्यू निकल कर आई है थ्री बाय फोर। y की वैल्यू को उठाओ यहाँ पुट कर दो, x अपॉन थ्री बाय फोर इज इक्वल टू थ्री बाय टू। ठीक है बेटा, तो x की वैल्यू बनेगी हमारी थ्री बाय टू इंटू थ्री बाय फोर, एक्स इज इक्वल टू आंसर आएगा नाइन अपॉन एट, दिस इज द वैल्यू ऑफ x। ये हमारी x की वैल्यू निकल कर आएगी नाइन अपॉन एट। तो अगर दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल थे, x भी हमारा निकल चुका है और y भी हमारा निकल चुका है और कुछ इस तरीके से हमने उन्हें फाइंड आउट किया है। लेकिन ये ज़रूर याद रखिएगा कि अगर दो वेक्टर, अगर कहीं आपको ये कह रखा है ना कि वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b इक्वल टू जीरो, तो इसका मतलब यह है कि दोनों वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हैं। जल्दी से नोट करिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब दो बातें बेटा आप लोगों को बिल्कुल अच्छे तरीके से ध्यान रखनी है, ये दो पॉइंट बहुत ही स्पेशल नोट पॉइंट है जो आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखने हैं। अगर दो वेक्टर आपको परपेंडिकुलर दे रखे हैं तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा, डॉट प्रोडक्ट
वो होगा ज़ीरो के इक्वल। जब भी आपको ये कहा जाएगा P डॉट Q ज़ीरो है, आप झट से समझ जाएंगे, आप एकदम से समझ जाएंगे बेटा कि वो दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, वो दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, आप एकदम से समझ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट कंडीशन क्या है हमारे पास में? नेक्स्ट कंडीशन ये है, अगर दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल आपको दे रखे हैं, दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल आपको दे रखे हैं, तो इसका मतलब ये है कि उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा, उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो ज़ीरो के बराबर होगा। जब आपको ये कहा जाएगा कि क्रॉस प्रोडक्ट ज़ीरो है, आप समझ जाओगे कि दोनों वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हैं। और जब आपको ये कहा जाएगा कि डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो है, तब आप समझ जाओगे कि ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। यहाँ इनके बीच में बनता है 90 डिग्री का एंगल और यहाँ इनके बीच में बनता है 0 डिग्री का एंगल। ठीक है बेटा, समझ में आ गई बात? ओके, अब आते हैं हम थर्ड नंबर पर। देखिए, तीसरे नंबर का कंसेप्ट ये कहता है बेटा कि अगर आपको कभी ए क्रॉस बी निकालना पड़े, तो वो जो ए क्रॉस बी है हमेशा वो माइनस बी क्रॉस ए के इक्वल होगा। बेटा हमेशा ध्यान रखिएगा, कई बार ना नीट और जेई के एंट्रेंस एग्जाम में ये छोटी मोटी प्रॉब्लम आ जाती हैं कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर कितना रहने वाला है। तो ध्यान रखिएगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर और बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर हमेशा हमारा ज़ीरो के इक्वल रहने वाला है, हमेशा, ऑलवेज, हमेशा हमारा ज़ीरो के इक्वल रहने वाला है। ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस ए इक्वल टू ज़ीरो। तो ये कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया भाई 90 डिग्री का एंगल है, ये कंसेप्ट हमने आपको बता दिया भाई 0 डिग्री का एंगल है, और ये कंसेप्ट हमारे पास में हो गया। अब आते हैं बेटा हम लोग चौथे नंबर पर। फोर्थ पॉइंट क्या है हमारे पास में, ठीक है? देखो फोर्थ पॉइंट क्या है, ध्यान से। कई बार कुछ इस तरीके का कंसेप्ट हमारे पास में आता है, ज़रा ध्यान से देखिएगा आप लोग, कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का जो मॉड है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का जो मॉड है वो हमारा ए डॉट बी के इक्वल है। बच्चों इस तरीके की प्रॉब्लम हमारे सामने आती है, मॉड ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए डॉट बी, ठीक है। उसके बाद हमसे पूछा जाता है फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। बेटा ये कंसेप्ट हमारे पास में आता है, समझ रहे हो आप मेरी बात, कि मॉड ए क्रॉस बी, मॉड ए क्रॉस बी ए डॉट बी के इक्वल है। स्टूडेंट आपको इन दोनों के बीच का एंगल बताना है कितना होगा। अब आप देखो हम प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे भाई। ये हमें गिवन दे रखा है मॉड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, हम एक काम करेंगे बेटा, हम मॉड ए से यहाँ डिवाइड करेंगे, मॉड बी से भी डिवाइड करेंगे, और ऐसा ही हम इस तरफ करेंगे। देखो ध्यान से, हमने दोनों तरफ किया है तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मॉड ए मॉड बी से यहाँ डिवाइड किया और मॉड ए मॉड बी से हमने यहाँ डिवाइड किया, समझ आ रही है बात। मॉड ए मॉड बी से हमने इधर डिवाइड किया और मॉड ए मॉड बी से हमने इधर डिवाइड किया, दोनों तरफ हमने मॉड ए मॉड बी से डिवाइड किया। अच्छा, मॉड ए मॉड बी से डिवाइड करने के बाद ये जो ये वैल्यू हमारे पास में बची है, दिख रही है ये वैल्यू, इसका फॉर्मूला होता है बेटा, यानी ये साइन थीटा की वैल्यू है, और ये वैल्यू जो आप लोगों को दिख रही है इसे हम लोग बोलते हैं कॉस थीटा। ध्यान से बेटा, इसे हम लोग बोलते हैं साइन थीटा और इसे हम लोग बोलते हैं कॉस थीटा, यानी साइन थीटा और कॉस थीटा आपस में इक्वल हो गए। अब हम क्या करेंगे, इस कॉस थीटो को उठाकर इसके अपॉन में लेकर आ जाएंगे, तो ये बन जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा, और अगर ये यहाँ से इसके अपॉन में चला गया तो ये बन गया वन, अगर यहाँ से ये इसके अपॉन में चला गया तो ये बन गया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, और बन चुका है वन। और टेन थीटा की जो वैल्यू वन होती है वो 45 डिग्री के इक्वल होती है बेटा, किसके इक्वल होती है, 45 डिग्री के। तो हम यहाँ ये कह सकते हैं कि इसका मतलब है कि दोनों वेक्टर के बीच जो एंगल बनने वाला है, दोनों वेक्टर के बीच जो एंगल हमारा बनने वाला है वो 45 डिग्री के इक्वल बनने वाला है, 45 डिग्री के बराबर बनेगा इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल। ऐसे हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे बेटा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान रखिएगा।
नोट करिए, आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। अच्छा बच्चों, अब आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट। देखो बेटा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, बिल्कुल ऐसा ही एंगल, ऐसा ही क्वेश्चन हमारे पास में एक और बना। प्रॉब्लम यह है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज अंडर रूट 3 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ये है भाई हमारे पास में, मॉड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज अंडर रूट 3 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। हमसे पूछा गया है फाइंड द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। लो भैया ये प्रॉब्लम है बेटा हमारे पास में, ये वैल्यू इसके बराबर है और हमसे पूछा है कि बताना है कि ए और बी के बीच में कितना एंगल होने वाला है, ए के और बी के बीच में कितना एंगल होने वाला है, ये हमसे पूछा गया है बच्चों। अब कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, ज़रा देखिए। ठीक है बेटा, यहाँ है हमारे पास में वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू अंडर रूट 3 टाइम्स ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। ठीक है बेटा, हमने एक काम किया, हमने मॉड ए मॉड बी से यहाँ डिवाइड किया और बिल्कुल ऐसे ही मॉड ए और मॉड बी से हमने यहाँ डिवाइड किया, मॉड ए मॉड बी से हमने यहाँ डिवाइड किया बेटा, और मॉड ए मॉड बी से हमने यहाँ डिवाइड किया। अब देखो ये वैल्यू हमारी किसके इक्वल बनेगी, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन मॉड ए मॉड बी। बेटा ये वैल्यू बन जाएगी हमारी साइन थीटा के इक्वल, यहाँ है अंडर रूट 3 और ये फॉर्मूला होता है कॉस थीटा के इक्वल। समझ आ रही बात, थोड़ा सा ध्यान दे, चाहे बायोलॉजी बैकग्राउंड का स्टूडेंट है चाहे मैथ्स बैकग्राउंड का स्टूडेंट है, इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकता है, बहुत बहुत बड़ी कैलकुलेशन नहीं है। कॉस थीटा को ले जाएंगे इसके अपॉन में, ये बन जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 3। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ये बन चुका है टेन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 3, और थीटा की वैल्यू जो निकल कर आएगी बेटा हमारे पास में वो निकल कर आएगी 60 डिग्री, क्योंकि जो टेन के अंदर अंडर रूट 3 वैल्यू होती है ना स्टूडेंट, वो हमारी 60 डिग्री की ही वैल्यू होती है बेटा। तो इसका आंसर आएगा हमारा 60 डिग्री, यानी यहाँ दो वेक्टर के बीच में 60 डिग्री का एंगल होने वाला है। उम्मीद है कि आप कर पाएंगे इस प्रॉब्लम को, नोट करिए और इसके बाद में मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के सामने लिखता हूँ बेटा, वो आप लोगों का होमवर्क है, उन क्वेश्चंस को आपको खुद सॉल्व कर हमारे पास में सेंड करना है। पहली प्रॉब्लम बेटा आपके पास में ये है, एक वेक्टर आपको दे रखा है ये आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, दूसरा वेक्टर आपको दे रखा है ये 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप, फाइंड द एंगल बिटवीन देम, फाइंड द एंगल बिटवीन देम विद द यूज ऑफ ठीक है बेटा, विद द यूज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। लो बेटा एक प्रॉब्लम तो हो गई आपके पास में ये, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पर। प्रॉब्लम नंबर 2 हमारे पास में ये है, पी वेक्टर इज इक्वल टू 2λi कैप, ठीक है बेटा, 3μj कैप प्लस 4k कैप। इसके बाद क्यू वेक्टर है हमारे पास में 3μi कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप। इफ वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर क्यू इज इक्वल टू 0, देखो बेटा पी क्रॉस क्यू 0 है, और पी क्रॉस क्यू अगर 0 होता है तो आप जानते हैं वेक्टर पी पैरेलल होता है वेक्टर क्यू के। आपको बताना है फाइंड लैम्डा एंड म्यू, इन दोनों की वैल्यू बतानी है कितनी होगी, फाइंड लैम्डा एंड म्यू। थर्ड प्रॉब्लम क्या है बेटा आपके पास में, देखो थर्ड प्रॉब्लम ये है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज द अंडर रूट 2 टाइम्स ऑफ मॉड ए इंटू मॉड बी। ठीक है, एंगल निकालना है कितना होगा ए और बी के बीच, ये तीन प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स आपके पास में।
इन तीनों प्रॉब्लम्स को आप लोगों को बनाना है और हमारे पास में इनका सोल्यूशन आप लोगों को सेंड करना है। बाकी होमवर्क आप लोगों को पता ही है कि होमवर्क क्या करना होता है, आपको इन्हीं कंसेप्ट को रिपीट करना है अपनी कॉपी में। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो हमारे साथ में आप लोग डिस्कस करेंगे बेटा, ठीक है। बाकी 1 जुलाई से आप लोगों की क्लास ऑफलाइन शिफ्ट होने वाली है, इसके बारे में जानकारी हम आपको बता ही चुके हैं स्टूडेंट। ओके, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में।